देखा है आपने या कभी ऐसा अनुभव, मतलब अपने साथ घटी वो भयानक अकल्पनीय घटना कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन उस घटना से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिस जगह ये अजीब अनुभव आता है उससे मन में डर सा बन जाता है, ऐसा ही एक अनुभव मैं बताने वाला हूं। रात के 11 बजे है, मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हूं। कुछ दिन पहले बाहर क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से मेरे खिड़की की कांच टूट गई। उस टूटे हुए कांच से बाहर का घना अंधेरा मैं महसूस करता हूं। मेरे कमरे के लाइट्स बंद है, साइलेंट मोड पे मोबाइल चार्जिंग पे है, और मैं अपना अनुभव आपके साथ बांटने वाला हूं। किसी को सच लगेगा या तो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। खैर, हमारे जैसे कई लोग काम के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। मैं भी ऐसे ही एक पार्ट टाइम काम करता था, दिन भर कॉलेज और रात में पड़ोस के चाचा की रिक्शा चलाता था। थोड़ी बहुत कमाई होती थी, जितना टाइम काम उतनी कमाई, इसलिए काम में वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता था। पढ़ाई की सामग्री में साथ रखता था खाली समय में पढ़ने के लिए, पर उस अनुभव ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 2 साल पहले अगस्त महीने का वो दिन था। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं हर रोज की तरह साइकिल पर कॉलेज की ओर जा रहा था। बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं और मेरी साइकिल की चेन निकल गई। मुझे कॉलेज पहुंचने में देरी हो गई। सर ने मुझे अगले लेक्चर तक बाहर रुकने को कहा। उनकी बातें मुझे बुरी लगी, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी अनबन हो गई क्योंकि उसका बर्थडे था और मैंने उसे 12 बजे विश नहीं किया। वो गुस्से से चली गई। अपने दोस्तों से जाके बात करने लगा तो वो भी आज मुझसे नाराज थे। हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं भूल गया। साला आज का दिन ही बेकार है, पता नहीं और क्या बुरा होने वाला है। ये कहते हुए मैं वहां से निकला। वो कहते ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मन में ठान लिया था आज किसी के साथ उलझना नहीं है, और मैं घर पहुंचा। रात हो गई, ड्यूटी पे जाने का वक्त हो चुका था। मोबाइल चार्जिंग पे लगा के मां ने परोसा हुआ खाना खत्म करके चाचा की राह देख रहा था। उस दिन उन्हें काफी देर हो गई थी। मैं फ्रेश होकर रूम के लाइट्स बंद करके उनके घर चला गया। रिक्शा की चाबी हाथ में थमाते हुए चाचा ने कहा, संजू आज बारिश बहुत है, संभल कर जाना। जी चाचा। रिक्शा चालू कर रिक्शा स्टैंड पर पहुंच गया। मूसलाधार बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं था और आज लोगों की यातायात भी कम थी। 11:30-12 हुए थे, अभी तक एक भी भाड़ा नहीं मिला था। दिन भर घटी चीजों के कारण पढ़ने का बिल्कुल मूड ही नहीं था, इसलिए धीमी आवाज में किशोर कुमार साहब के गाने सुनने लगा। तभी कुछ आवाज सुनाई दी। गर्दन बाहर निकाले मैंने देखा, रास्ते के दूसरी तरफ बंद दुकान के बाहर एक आदमी मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। रिक्शा चालू करके मैं उसके पास चला गया। 55 के आसपास की उम्र होगी उसकी, सफेद शर्ट और हाथ में छाता था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो तुरंत रिक्शा में बैठ गए और कहा, MIDC फाटा। मैं उनके बताए हुए जगह पहुंचने के लिए रिक्शा चलाने लगा। मैंने आईने की बूंदे पहुंचते हुए कहा, आज दिन भर बारिश ने परेशान करके रखा है, लगता है आज पंचगंगा को बाढ़ आके रहेगी। मैंने मन में कहा, कितना बोरिंग आदमी है। और किशोर कुमार साहब के गानों की आवाज बढ़ाकर रिक्शा चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया कि यह आदमी मुझे लगातार घूरे जा रहा था। मैंने भी आईने में स्माइल दी, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो बस मुझे घूर रहे थे। अब हम शहर पीछे छोड़ के हाईवे पे आ चुके थे।
रोज की तुलना में आज हाईवे पर गाड़ियां कम थी। हाईवे से होकर पुल के उस तरफ पहुंचे तभी रास्ते के किनारे दो लोग मोटरसाइकिल को धक्का दे रहे थे। उसमें से एक आदमी ने हाथ किया। मैंने पैसेंजर से स्माइल करते हुए कहा, शायद उनकी मोटरसाइकिल बंद पड़ गई है इसलिए धक्का दे रहे हैं। इतनी रात को इतनी तूफानी बारिश में गाड़ी को धक्का देना अच्छी बात नहीं। मेरे कहने पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस मुझे घूरे जा रहे थे जैसे कि इंसान कभी देखा नहीं हो। मैं हाथ करने वाले की ओर रिक्शा लेकर चला गया। पास जाकर देखा तो मेरे ही दो दोस्त निकले। मैंने गर्दन को रिक्शा से बाहर निकलते हुए पूछा, अरे विनोद क्या हुआ? विनोद मुझे देखकर खुश हो गया और कहने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है यार, तू आज मिल गया। 9 से 12 का शो देखकर आ रहे थे, पेट्रोल ही खत्म हो गया। मैंने कहा, हमेशा का है ये तुम्हारा। अच्छा रुको, मैं तुम्हें थोड़ा पेट्रोल देता हूं। अरे तेरा फोन कहाँ है? तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया था, वो मुझे पूछ रही थी, उसका बर्थडे है, तूने कॉल नहीं किया उसे? उसकी बातें सुनके मेरा सर चकरा गया। कल कॉलेज में खैरियत नहीं बॉस, फोन तो मैं घर पे ही भूल गया, वो भी साइलेंट पे। मैं कुछ और कहूं उसके पहले उसने मुझे पूछा, तू अकेले कहां जा रहा है? क्या किसी को लेने जा रहा है क्या? अकेले कहां, पैसेंजर है ना पीछे। पर पीछे कोई नहीं था। मैं रिक्शा से बाहर आजू बाजू में देखा, वो पैसेंजर कहीं नहीं था। मैंने कहा, भाग गया लगता है। अभी अभी मैंने उसे कहा था हम लोग उनकी मदद करते हैं। विनोद हड़बड़ा गया और कहा, अरे तेरी रिक्शा को काफी दूर से देख रहा था, मुझे तो कोई नीचे उतरते हुए नहीं दिखा। मुझे बहुत गुस्सा आया था, इतने वक्त से उस आदमी से बात कर रहा था, अचानक कहां चला गया? पैसे देने पड़े इसलिए भाग गया लगता है। मैंने विनोद को पेट्रोल दिया और वहां से निकल आया। हाईवे पे थोड़ी दूर बाद एक बस स्टॉप पे एक जोड़ा दिखाई दिया। मैंने उनके पास रिक्शा रुकाई, उन्हें थोड़ा दूर जाना था। रिक्शा का मीटर डालते हुए हमारा सफर शुरू हो गया। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। उनके बताए स्थान पर पहुंचने में अभी काफी वक्त था। मैंने पीछे दोनों को देखा, दोनों बातों में व्यस्त थे। कहीं ये भी भाग तो नहीं गए, इसलिए पीछे देख के चेक किया। थोड़ी देर में सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। मैंने रिक्शा उसके पास ली और मेरा दिमाग ही घूम गया। मैंने उसे पहचान लिया और गुस्से से कहा, ओ चाचा जी आप तो रिक्शा से भाग गए, चलो मेरा पैसा निकालो। रिक्शा में बैठे वो पैसेंजर थोड़े घबरा गए, पर मैंने उन्हें सारी हकीकत बताई। फिर वो दोनों चाचा को पैसे देने के लिए कहने लगे, ओ चाचा जी चलो पैसे निकालो, आदमी कभी देखा नहीं क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने चेहरे पे कोई भाव नहीं दिखाया और शांति से कहा, पैसे चाहिए तुम्हें, देता हूं बेटा, थोड़ी देर में मेरा घर है, मुझे वहां छोड़ दो, उतरते ही मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। उनका हताश चेहरा देखकर मैं और पीछे बैठे पैसेंजर राजी हो गए और उनके घर की ओर मैं रिक्शा चलाने लगा। बीच बीच में आईने से उन्हें देख रहा था, कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गए, पर वो अभी भी मुझे घूर रहे थे। कुछ दूरी पर पुल पार करके उन्होंने मुझे रिक्शा रोकने को कहा। मैंने रिक्शा रोकी और आजू बाजू देखा, आसपास में कोई घर कोई गांव नहीं था, दूर दूर तक घना अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने कहा, चाचा पूरे पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैठो मैं आपको गांव तक छोड़ता हूं। अंदर बैठे पैसेंजर ने भी कहा, चाचा आपके पैसे हम दे देंगे, पर इतने सुनसान जगह पर मत उतरिए। पर चाचा ने किसी की नहीं सुनी, वो रिक्शा से उतर गए। पैसे निकालते हुए उनके जेब से 10 रुपए की नोट नीचे गिरी। वो नीचे नोट लेने झुकते तभी मैंने कहा, चाचा रुकिए मैं उठाता हूं। मैं नोट लेने नीचे झुका और जो मैंने देखा, मानो मेरी धड़कन रुक सी गई। डर के कारण मेरा माथा पसीना पसीना हो गया, मानो मेरा कलेजा डर से फटने वाला था। बिना वक्त जाया किए
निरीक्षा चालू करके तेजी से आगे बढ़ने लगा। पीछे बैठे पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ, इतने देर से आप पैसे के लिए बहस कर रहे थे, अब बिना पैसे लिए ही निकले? कम से कम तुम्हारा पैसे तो लेते हैं। आईने में देखते हुए उनसे कहा, कोई पीछे मुड़के मत देखना, बस यहां से निकल जाए फिर आपको सब बताता हूं। पैसेंजर ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों इतना डरे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, अपना डर छुपाते हुए उनसे कहा। दोनों को मेरा यह बर्ताव अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या इस रास्ते पे हाल ही में कोई एक्सीडेंट हुआ है? मेरी बात को काटते हुए पीछे बैठे बहन जी ने कहा, अरे ये तो वही चाचा जी है ना जो पीछे उतरे थे, इतने जल्दी आगे किसे आ गए? रिक्शा के कांच से देखा तो वो दिल दहलाने वाला दृश्य था। डर के मारे हाथ पांव कांपने लगे थे, धड़कनें बड़ी हुई थी। मैंने पीछे बैठे पैसेंजर से कहा, मैडम मैडम जी आप डरिए मत, भाई साहब आप मैडम जी की आंखें बंद कर लीजिए, कोई भी मत देखिए उसकी तरफ, भगवान का नाम लीजिए, अब बस वही बचा सकते हैं हमें। ये कहते हुए मैंने रिक्शा की रफ्तार और तेज कर दी। दोनों को हौसला तो दे रहा था, पर अंदर से मैं कितना डरा था बस मैं जानता था। रास्ते में बार बार वही आदमी हाथ कर रहा था। मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी, फिर भी टेढ़ी नजर से उसे देखने की कोशिश की। वो भयानक दर्दनाक चेहरा कोई देख नहीं सकता था। उसे देखकर लग रहा था पता नहीं कितने गाड़ियों के नीचे उसका शरीर कुचला गया था। बार बार वो सामने आके अपने कर्कश आवाज में, रुक जाओ तुम्हारे पैसे ले लो, रुक जाओ तुम्हारे पैसे ले लो, ऐसा दिल दहला देने वाला अनुभव मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पीछे बैठे पैसेंजर भी बहुत डरे हुए थे। दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे हुए थे। दिमाग काम नहीं कर रहा था, पूरा बदन डर से कपकपा रहा था। मैं बस रिक्शा को हवा की स्पीड से चला रहा था, तभी अचानक सामने एक सफेद आकृति दिखी और गायब हो गई। अब मेरी धड़कनें रुक सी गई थी। तभी अचानक मेरी नजर पीछे बैठे पैसेंजर पर पड़ी। वो दोनों पति पत्नी अभी तक आंखें बंद करके बैठे थे और उनके बाजू में एक सफेद आकृति बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। थोड़ी दूर तक एक लुका छुपी चालू थी। रिक्शा हवा के समान चल रही थी। तभी हाईवे छोड़कर गांव के स्मशान की ओर रिक्शा बढ़ने लगी और पीछे से उसकी कर्कश आवाज आई, गलती कर रहे हो तुम। उस आवाज से कलेजा कांप उठा। धीरे धीरे सफेद आकृति अंधे की हो गई। आईने से पीछे देखते हुए मैंने कहा, मैडम जी अब डरने की जरूरत नहीं, उसकी सीमा वहीं तक थी। वो बहुत डरी हुई थी, आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। सुनो वो गया, अब 5 ही मिनट में अपने गांव पहुंचने वाले हैं। गांव के बिजली के खंभे की रोशनी दिखाई दी और हमारी जान में जान आ गई। और उन्होंने मुझे कहा, वहां तो दुर्घटनाएं होते रहते हैं, परसों ही दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आपने क्यों पूछा? तभी आईने से देखते हुए मैंने उनसे कहा, चाचा जी के गिरे हुए पैसे लेने में नीचे झुका और उनके खून में रंगे उल्टे पैर मैंने देखे और वहां से निकल आया। तभी मेरी नजर गांव में लगे एक डिजिटल बोर्ड पे आके रुकी। डिजिटल बोर्ड पे उसी पति पत्नी के फोटो लगाए थे जो मेरे रिक्शा में बैठे थे। और नीचे लिखा था, हमारे परम मित्र और उनकी पत्नी का दुर्दैवी निधन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर मेरे पास में ही किसी का ऑपरेशन कर रहे थे। ऑपरेशन, चीरफाड़, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए तुरंत मैं वहां से बाहर आ गया। सामने ही मेरा परिवार और दोस्त थे। मैं उनसे कुछ बात करता तभी 2 वार्ड बॉय एक जख्मी निष्प्राण लड़की को अंदर ले गए। शायद उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी। उसका पूरा शरीर जख्मी था, बहुत बुरी हालत थी उसकी।
तभी उसी तरह दिखने वाली जख्म से भरी हुई लड़की सामने से आती हुई दिखी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने उसे पहचान लिया था, उसकी जुड़वा बहन या शायद रिश्तेदार को अभी अभी वार्ड बॉय अंदर लेके गए थे। वो मुझे गुस्से लाखों से देखते हुए अंदर गई और तभी मेरी नजर उस कमरे के बाहर लिखे बोर्ड पर गई। बोर्ड पढ़कर मेरा दिमाग सुन सा हो गया। सब कुछ मेरे समझ के परे था। दौड़ते हुए मैं कमरे के अंदर गया और जो सामने देखा मानो मेरे होश उड़ गए। सिर चकराने लगा। अभी वहां ऑपरेशन नहीं बल्कि पोस्टमार्टम चल रहा था, वो भी मेरे ही शरीर का।